मंत्री के तौर पे वो प्राधिकार हैं जो किसी भी विभाग के की समीक्षा कभी भी आपातकाल में कर सकते हैं। मैं भी करता हूं मंत्री के रूप में, मेरी अनुपस्थिति में सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह भी समीक्षा करते हैं। यह सामूहिक जिम्मेदारी है बिहार के प्रति, कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जब हम कैबिनेट में होते हैं तो सामूहिक उत्तरदायित्व के जरिए अलग अलग, और हम लोग सामूहिक रूप से बैठ के फैसले देते रहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको आमंत्रित भी कर लगेगा कि जरूरत है तो जरूर आमंत्रित करेंगे। लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कृषि विभाग की समीक्षा बैठक करते हैं तो बिहार सरकार के कृषि मंत्री उस बैठक में उपस्थित नहीं रहते हैं। सीधे कयास लग रहे थे कि कहीं ना कहीं कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो दूरियां हैं वो हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और कृषि मंत्री एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। इसको लेकर आज बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपनी सफाई दी है और सीधे तौर पर कहा है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर समीक्षा बैठक में मंत्री की मौजूदगी ज़रूरी है। जो कृषि विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, पहले आप वो सुन। कई बार सवाल पूछा जा चुका है और मैं बार बार कहता हूं कि वह एक प्राधिकार है, मुख्यमंत्री के तौर पे वह प्राधिकार है जो किसी भी विभाग के की समीक्षा कभी भी आपातकाल में कर सकते हैं। मैं भी करता हूं मंत्री के रूप में, मेरी अनुपस्थिति में सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह भी समीक्षा करते हैं। यह सामूहिक जिम्मेदारी है बिहार के प्रति, कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जब हम कैबिनेट में होते हैं तो सामूहिक उत्तरदायित्व के जरिए अलग अलग, और हम लोग सामूहिक रूप से बैठ के फैसले देते रहते हैं। यह कोई अन्यथा लेने वाली विषय नहीं है जिसको मैं मानता हूं, और ज़रूरत पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको आमंत्रित भी कर लगेगा कि जरूरत है तो जरूर आमंत्रित करेंगे। बिहार में पुरानी मंडी। तो आपने सुना, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीधे तौर पर कहा कि समय समय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कृषि विभाग की समीक्षा बैठक करते रहते हैं और हम भी विभाग में समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन अगर ये ज़रूरी लगेगा कि बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुझे ज़रूर बुलाएंगे और मैं ज़रूर जाऊंगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हर समीक्षा बैठक में मेरा मौजूद होना कोई अनिवार्य। कृषि विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी भी उस बैठक में शामिल होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक में हिस्सा ले सकते हैं और कृषि विभाग की जो भी फैसले लिए जाएंगे उसमें उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। यानी कि जो कयास लग रहे थे कि नीतीश कुमार और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह में दूरियां हैं, तो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने यह स्पष्टीकरण दे दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमंत्रित करेंगे बैठक में शामिल होने के लिए, मैं ज़रूर जाऊँगा, बैठक में ज़रूर शामिल होऊंगा। तमाम खबरों के लिए बने रहे दैनिक न्यूज़ के साथ और देखते रहे दैनिक न्यूज़।